नमस्कार, एनबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अलका सिंह और आप देख रहे हैं अपनो उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार एक कमेटी बनाने जा रही है जो ये संभावना देखेगी कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जा सकता है या नहीं। हाँ तो किसी को किस तरह से उत्तराखंड सरकार उत्तर प्रदेश और असम जैसे बीजेपी सरकार वाले राज्यों की तर्ज पर ये कदम उठाने जा रही है। हालांकि ये खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है, लेकिन ये कहा गया है कि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसंख्या नियंत्रण और भूमि कानून के बारे में समितियां बनाने का मन बना लिया है। भूमि कानून को लेकर राज्य का रुख यही है कि उत्तराखंड में जमीनों के मालिकाना हक को लेकर बाहरी लोगों के दखल को कैसे सीमित किया जाए। दरअसल हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नियंत्रण स्थितिकरण और कल्याण अध्यादेश का मसौदा तैयार किए जाने का जिक्र किया, जो असम की हेमंत सरकार ने भी दो से ज्यादा बच्चों के अभिभावकों को सरकारी फायदों से दूर रखने संबंधी कानून पर विचार करने की बात कही। अब इसी तर्ज पर उत्तराखंड सरकार आगे बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड सरकार एक अहम बैठक के बाद ये कदम उठाना चाह रही है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से एक्सिस बैंक की तरफ से चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को दिए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के वाहन का फ्लैग ऑफ किया है। एक्सिस बैंक की तरफ से स्वास्थ्य विभाग को 31 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्सिस बैंक का आभार व्यक्त करते हुए कहा, कोविड के दौरान एक्सिस बैंक ने जनसेवा के अनेक कार्य किए। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। देश भर में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम तेजी से चलाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में 4 महीने में 100% लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही अलग अलग जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और उत्तराखंड की जनता के सहयोग से प्रदेश आगे बढ़ता जा रहा है। राज्य सरकार जनता की साझेदार के रूप में कार्य कर रही है। चुनौतियां तो यही है, सबसे पहले कि हम सभी चीज़ों को धरातल पर उतारें, सब चीज़ों को ठीक करें। और मोदी जी की जो स्कीम देश भर के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो स्कीम उत्तराखंड के लिए चलाई है उनको धरातल पर उतारना है। राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं जो शुरू हुई हैं उनको अंतिम तक पहुँचाना है, यानी उनको पूरा करना है। इसके साथ साथ जो हमारी नई योजनाएं हैं हम उनको लॉन्च करेंगे। जैसे हमने महालक्ष्मी किट योजना हमारी जो बहनें हैं गरीब बहनें उनके लिए हमने प्रारंभ की है। उसके अंतर्गत बहुत सारी महिलाओं को लगभग 16,000 लोगों को उस दिन हमने एक सीधे सीधे लाभ पहुंचाने का काम किया है। वात्सल्य योजना के माध्यम से ऐसे बच्चे जो बिल्कुल अनाथ हो गए हैं जिनके भरण पोषण की व्यवस्था नहीं है उनको हमने। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के अचानक दिल्ली दौरे से कयासबाजी का दौर शुरू हो चुका है। वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। पीएम नरेंद्र मोदी से 20 मिनट और गृह मंत्री अमित शाह से 45 मिनट तक त्रिवेंद्र रावत की बातचीत हुई। ऐसा माना जा रहा है कि उत्तराखंड सहित कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को पार्टी में राष्ट्रीय महामंत्री या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व दिया जा सकता है। वहीं 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी में तैयारी परखने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस महीने के अंतिम सप्ताह में देहरादून दौरे पर होंगे। ये दौरा 2 दिनों का होगा। इन दो दिनों के दौरान देहरादून प्रवास के में जेपी नड्डा कई कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे और 2022 चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में जोश भरेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम जो पिछले महीने प्रस्तावित था किसी कारण से रद्द हुआ था वो इस महीने होगा। हमने 2 तारीखें दी हैं, इस महीने के तीसरे सप्ताह में या चौथे सप्ताह में, जैसे वहाँ से तय होती है दोनों में से कोई से फिर आपको बताएंगे। कार्यक्रम का सब रूप तय है। कितने दिनों का कार्यक्रम? 2 दिन का।
कांग्रेस के ऋषिकेश में चल रहे मंथन शिविर पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि कांग्रेस ने चिंतन करते करते 4.5 साल बिता दिए हैं। विपक्ष के तौर पर मुद्दे उठाने वाली पार्टी के तौर पर कांग्रेस पूरी तरीके से विफल रही। कोरोना काल में भी कांग्रेस ने लोगों के लिए कुछ नहीं किया। अब बैठक करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि जनता जानती है कि इन्होंने विपक्ष की भूमिका को नहीं निभाया, केवल नेतृत्व की लड़ाई लड़ते रहे। देखिए, कांग्रेस ने चिंतन करते करते 4.5 साल गवा दिए। विपक्ष की भूमिका के तौर पर वो मुद्दे उठाने में विफल रहे, पार्टी के आधार पर वो प्रदेश की समस्याएं उठाने में विफल रहे। कोरोना संक्रमण काल में जहां सारे सामाजिक राजनीतिक दल जनता के बीच में सेवा भाव में लगे हुए थे, वो लोग उस अवसर को भी गंवा चुके हैं। जहां पूरे राजनीतिक दल सरकार पूरी ताकत के साथ लगी थी और टूल किट जैसे हथकुंडे अपना रहे, इसलिए अब कुछ भी करने से होने वाला नहीं है। जनता जानती है कि इन लोगों ने 4.5 साल अपने जो विपक्ष की भूमिका था उसका निर्माण नहीं किया, केवल नेतृत्व की लड़ाई में उलझे रहे। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी के बारे में जनता का जो विश्वास था। अल्मोड़ा विधायक और विधानसभा के उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि उन्होंने चुनाव के समय जितनी घोषणाएं की थी उनमें से अधिकांश घोषणाओं को वो पूरा कर चुके हैं। उनके विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश गांवों तक सड़क पहुंच चुकी है। इसके अलावा अल्मोड़ा नगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की कमी को दूर करने के लिए पेयजल योजना पर कार्य किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने प्रदेश में मजबूत भू कानून बनाए जाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भू कानून न होने से यहां बाहरी लोग जमीन की असीमित खरीद फरोख्त में जुटे हुए हैं। इसको रोकने के लिए एक मजबूत भू कानून लाना आवश्यक है। तो मैं कहता हूं उत्तराखंड में भू कानून की बहुत आवश्यकता है ताकि हमारे जल जंगल जमीन हमारे पनघट हमारे गोचर हमारे किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा घेराबंदी नहीं करें, घेराबंदी और हमारा जो भू कानून इसकी आवश्यकता है, भू कानून बनना चाहिए। देखो, अल्मोड़ा को हम सबसे पहले पानी की सौगात देना चाहिए, पानी नहीं था अल्मोड़े में, पानी अल्मोड़े में। आज 25 करोड़ रुपया हमको माननीय मुख्यमंत्री ने दिए हैं, शासन ने दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए, सरकार ने दी है। तो आज सबसे पहली प्राथमिकता पानी पर, पानी पर, हर घर तक पानी पहुँचाने की है। हम हर घर तक पानी पहुंचाएंगे। हमारी एक योजना और बननी है, 35 करोड़ से ज़्यादा की योजना बननी है, रिवाइज एस्टीमेट गया है, तो उसको भी हम डाना में हमारा जो सैनिक कल्याण विभाग के तहत पूर्व सैनिकों को संविदा के आधार पर नियुक्ति देने के उपनल कर्मियों की मांग पर मंत्री गणेश जोशी ने सकारात्मक पहल की है। गणेश जोशी ने कहा कि इसको लेकर मंत्रिमंडल की उप समिति की रिपोर्ट को कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने इसके संबंध में अफसरों को निर्देश दिए हैं। बता दें कि सैनिक कल्याण विभाग में उपनल के माध्यम से नियुक्ति देने के विषय में समीक्षा बैठक की गई। बैठक में सैनिक कल्याण विभाग के तहत पूर्व सैनिकों को संविदा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में निर्देश दिए गए। सैनिक कल्याण विभाग में पूर्व सैनिक कई वर्षों से काम कर रहे हैं और 2007 में एक अनुमोदन उनके पक्ष में हुआ था कि इनको विभागीय संविदा में रखा जाए और उनको 75% भारत सरकार से मिलता है, लेकिन वह अभी तक नहीं हुआ और उसमें कई जगह हमारे जो कर्मचारी स्टैक में बैठे हुए हैं उनके से बातचीत हुई। मेरे सेक्रेटरी, हमारे फाइनेंस के लोग, वित्त और कार्मिक केस डायरेक्टरेट के सारे लोग उस पर थे और उसमें क्योंकि ये CCS रूल की जो MOD की गाइडलाइन है और उसके अनुसार उसमें हमने देखा कि उसमें CCS रूल के दायरे में लाकर उनको हो सकता है, तो मैंने अपने डायरेक्टर से कहा कि उसका एक प्रस्ताव बनाकर लाइए, उस दिशा में हम काम करेंगे। जो उपनल के लिए एक मंत्री समूह की एक समिति बनी थी जिसका मैं संयोजक हूँ और हर सिंह जी अध्यक्ष हैं, उन्होंने कुछ सिफारिशें उनके लिए की थी और मुझसे कैबिनेट के एक दिन पहले ही साइन कराया गया कि कल कैबिनेट में आना है, लेकिन किन्हीं कारणों से वो कैबिनेट में नहीं आया
तो मैंने अपने सेक्रेटरी से कहा कि इस बार उसको कैबिनेट में लाइएगा, क्योंकि उनसे हमने वायदा किया है और उनकी चिंता करना हमारा जिम्मेदारी है। शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में महापुरुष शोभन सिंह जीना के 112वीं जयंती के अवसर पर कर्मयोगी महापुरुष शोभन सिंह जीना व्यक्तित्व एवं कृतित्व विषय पर एक व्याख्यानमाला का आयोजन गणित विभाग के सभागार में किया गया। इस अवसर पर इस व्याख्यानमाला के अध्यक्ष रूप में प्रोफेसर नरेंद्र सिंह भंडारी, कुलपति शोभन सिंह जीना और रघुनाथ सिंह चौहान विधानसभा उपाध्यक्ष विशिष्ट मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। इस मौके पर रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा कि ये उनका भी सौभाग्य रहा कि वे भी इस परिसर के विद्यार्थी रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्वतीय विकास की अवधारणा को लेकर जीना जी का योगदान आज भी याद किया जाता है। उन्होंने देश के बड़े नेताओं को पृथक राज्य की स्थापना को लेकर दबाव बनाया था। उत्तरांचल के लिए इस राज्य की जनता ने अपनी शहादत दी है। राज्य उत्तरांचल राज्य बना है, ये उन्हीं का देन है, जीना जी की देन है और उनके सपनों का उत्तराखंड बने, उत्तरांचल बने, ये हम उसको निवेदन करना चाहते हैं। और वन संघर्ष अधिनियम 1980 जो लागू हुआ था, इसका भी काफ़ी विरोध किया था उन्होंने। जब 1988 में हमारा सेंचुरी वन बना, हमारा बिनसर, तो उसका भी उनको ज्ञान था कि हमारे दार हैं, हमारा पत्थर है, हमारा जल है, हमारा जमीन है, हम कहाँ से घास लाएंगे, कहाँ लकड़ी लाएंगे, कहाँ से पत्थर लाएंगे, तो हमारे लिए अच्छा कानून नहीं है, तो इसके लिए विरोध में लड़ाई लड़ी थी। तो आज उनकी देन है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मंगलवार को कुल 10वीं का परिणाम, कक्षा 10वीं का परिणाम घोषित कर दिया। आपको बता दें कि ये परिणाम 12 बजे घोषित किए गए। देहरादून रीजन का रिजल्ट 99.23% रहा। कोरोना काल में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बोर्ड परीक्षाओं को रद्द किया गया था, जिसके बाद आंतरिक मूल्यांकन और CBSE द्वारा तैयार रिजल्ट फार्मूले के आधार पर 10वीं के स्टूडेंट की मार्किंग की गई। ऐसे में इस बार ना तो कोई मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और ना ही बोर्ड CBSE 10वीं का टॉपर भी घोषित करेगा। स्कूल प्रबंधन की ओर से बच्चों को सूचित कर दिया गया है। बोर्ड परिणाम को लेकर इस बार छात्राओं में भी कम उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं नैनीताल हाईकोर्ट में 2 अगस्त से कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खोले जाने के कैबिनेट के निर्णय के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट में पाया याचिका में सरकार की ओर से स्कूल खोलने को लेकर जारी SOP को चुनौती नहीं दी गई है। याचिका 29 जुलाई को दाखिल की गई, जबकि सरकार ने 31 जुलाई को SOP जारी किए, जिसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका में संशोधन की अनुमति देते हुए मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को तय की है। मुख्य न्यायाधीश RS चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। आपको बता दें कि हरिद्वार निवासी विजय पाल ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने आधी अधूरी तैयारी और बिना प्लानिंग के कोविड काल में स्कूल खोल दिए। याचिका में कहा कि विशेषज्ञों ने कोविड की तीसरी लहर में बच्चों के प्रभावित होने की संभावना जताई है और तमाम अभिभावक भी आशंकित हैं। याचिकाकर्ता ने सरकार के निर्णय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की थी। उत्तराखंड में भले ही कोरोना महामारी का असर अब धीरे धीरे कम होने लगा है, लेकिन सरकार अभी भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अब उत्तराखंड सरकार ने एक बार फिर प्रदेश में 10 अगस्त तक के लिए कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया है और किसी भी तरह की कोई नई राहत प्रदेश सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सोमवार को SOP जारी कर दी गई। इसके तहत 10 अगस्त की सुबह 6 बजे तक प्रदेश में कोविड कर्फ्यू लगा रहेगा। पहले की तरह सभी तरह की बंदिशें लागू रहेंगी। वहीं निजी और सरकारी स्कूलों को कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा, जबकि ITI, पॉलिटेक्निक कॉलेज, VV, नर्सिंग संस्थान, मेडिकल संस्थानों के लिए संबंधित विभाग अलग से SOP जारी करेंगे। आपको बता दें कि कोई भी बाहरी व्यक्ति अगर कोविड वैक्सीन के दौरान दोनों डोज लगवा ली है और 15 दिनों बाद उत्तराखंड में आ रहा है तो उसे RT-PCR टेस्ट की जरूरत नहीं है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के आधार पर उसे उत्तराखंड में एंट्री मिल सकती है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए ANB न्यूज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुख करते हैं खबरों का। रुड़की में वर्तमान बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा के कार्यालय पर वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें नगर वासियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगवाई। वहीं पूर्व राज्य मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता डॉक्टर गौरव चौधरी ने भी वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग ये कहते थे कि वैक्सीन सुरक्षित नहीं है और ये मोदी की वैक्सीन है, वो खुद भी अब वैक्सीन लगवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए हम सभी को वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। वहीं स्कूल खोले जाने के मुद्दे को लेकर कहा कि हम सभी को कोरोना से लड़ना सीखना होगा। स्कूल पूरी तरह प्रदेश सरकार की तरफ से जारी SOP का पालन करते हुए खोले जा रहे हैं, जिसमें कोविड गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन करते हुए बच्चों को पठन पाठन कराया जा रहा है। देखिए जी, भ्रांतियों का रिजल्ट तो ये है कि जो विपक्षी पार्टियां थी जिन्होंने ये कहा कि ये मोदी वैक्सीन है, वो भी खुद जाके इसको लगवा रहे हैं। तो ये तो सिर्फ एक राजनीतिक उनके जो हैं पैतरे हैं। वैक्सीन 100% सुरक्षित है। हिंदू हो, मुसलमान हो, समस्त देशवासियों से मैं यही अपील करूँगा, कोरोना से लड़ना है तो वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी क्या है कि स्कूल तो आज नहीं कल खुलने हैं। कोरोना के साथ लड़कर जीना सीखना पड़ेगा। और जहाँ तक हमारे बच्चे हैं, जो स्कूल प्रबंधन है, मेरा भी खुद का अपना एक स्कूल है, हम लोग। वहीं हल्द्वानी में बीजेपी के उत्तरी मंडल के सभी पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि पार्टी के अंदर असंतोष का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर उत्तरी मंडल का चुनाव से पहले सभी पदों से इस्तीफा देना पार्टी की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। उत्तरी मंडल के मंडल अध्यक्ष ने सभी पदाधिकारियों के साथ प्रेस वार्ता का आयोजन किया और उन्होंने बीजेपी के जिला महामंत्री प्रदीप पर मानसिक तौर पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि जिला महामंत्री प्रदीप उन्हें नीचा दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से उत्तरी मंडल के सभी पुरुष और महिला पदाधिकारियों को ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया था अभी, वो नाम भी आपके सामने रखे। जब मंडल अध्यक्ष के कार्य क्षेत्र में मंडल में अनाधिकृत दूसरे के द्वारा किसी ना किसी बहाने हस्तक्षेप और कहीं डिस्टर्ब किया जाता है तो उसका गुटबाजी पैदा कराई जाती है, तो व्यक्ति क्या करेगा। आज बहुत लंबे समय से जिला महामंत्री प्रदीप जनोटी जी द्वारा बहुत ज़्यादा पूर्ण रूप से, मतलब उनको सिर्फ मंडल के रूप में उत्तरी मंडल दिखाई देता था और किसी ना किसी बहाने वो मंडल में अपना हस्तक्षेप करते थे और उन्होंने बहुत, यही कह सकता हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान मंडल के पदाधिकारियों को कर रखा था और अपने को स्वयं को एक जिलाध्यक्ष के रूप में कि मैं आगे भविष्य का होने वाला जिलाध्यक्ष हूँ और जिलाध्यक्ष तो चुनाव की तैयारी में लगे हैं, जिलाध्यक्ष का चार्ज भी मेरे पास है, ऐसा दर्शाते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं पे एक अनाधिकृत एक जोर। मेरा इस्तीफा देने का मेन कारण ये था कि सर, मैं दबाव में आकर के कोई भी कार्य नहीं करना चाहूँगी। मैं एक महीने से परेशान थी, एक महीने से जो मेरे को कहा गया था कि एक तो चाय वाली वार्ता मैंने आप लोगों को बता दी, दूसरा है कि मेरे जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में मैं किसी का भी इंटरफेयर सहन नहीं करूँगी। सर ये ऊपर से ही था, हमारे बहुत बड़े बड़े दिग्गज जी, नहीं नहीं ये ऊपर से सर कई लोगों का दबाव था, मैं उस विषय में आपसे कुछ कहना नहीं चाहूँ जी। महामंत्री ने जो चाय का विषय था उन्होंने बोला कि चाय पे वार्ता वो आज तक। उधम सिंह नगर के किच्छा विधानसभा में पंत नगर विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से 35 सफाई कर्मचारियों को नौकरी से बरखास्त किए जाने का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ नौकरी से निकाले गए सफाई कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर बिना पूर्व सूचना के ही कर्मचारियों को निकालने का आरोप लगाया। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि वो लंबे समय से अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया, जिसकी वजह से उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कांग्रेसी नेता हरीश पनेरू ने आरोप लगाया कि स्थानीय भाजपा विधायक ने चुनाव के समय किसी भी ठेका कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकालने की घोषणा की थी, लेकिन राज्य सरकार और बीजेपी विधायक के इशारे पर ठेका कर्मचारियों की छटनी करते हुए उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह से
छोटे कर्मचारियों का उत्पीड़न लगातार जारी है। क्षेत्रीय विधायक जी से मैं आपके माध्यम से सवाल करना चाहता हूं कि उन्होंने ये कहा था कि पन्नगर विश्वविद्यालय जब पिछला वो चुनाव लड़े थे उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि पन्नगर के जो 2500 ठेका कर्मचारी हैं उनको पक्का करने का काम प्रदेश सरकार करेगी। उनको पक्का करने की बात तो छोड़ो, लगातार इन 4.5 वर्षों में ठेका कर्मियों की छटनी की जाती रही, उनके ऊपर मुकदमे लादे जाते रहे, उनका उत्पीड़न किया जाता रहा और क्षेत्रीय विधायक लगातार उनको झूठे पर झूठा आश्वासन देते रहे। उसकी परिणति ये हुई कि लगातार वहाँ पर ठेका कर्मियों के उत्पीड़न किया जा रहा, उनकी छटनी की जा रही है। हमने आज निर्देशक प्रशासन से वार्ता करके 3 दिन का समय दिया, अगर 3 दिन में उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो निश्चित तौर से हम विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रशासनिक भवन पर अनिश्चितकालीन धरना करने को बाध्य हूँ। आपने उत्तराखंड में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB News। नमस्कार।